ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। मोबाइल मिलेगा ही नहीं। बात करते हैं जी कल के वीडियो के बारे में। कल का जो ब्लॉग हमने डाला था और उसमें जो है हमने बताया था आपको एक अच्छा सा गुड न्यूज था कि हमारे भाई की शादी होने वाली है। तो कई लोगों ने जो बधाई भी दी लेकिन साथ ही जो है कंफ्यूजन भी क्रिएट हो गया क्योंकि हमने बताया नहीं कि आखिर हमारा कौन सा भाई है। हुआ आप में से बहुत लोग पूछ रहे थे अपने दूसरे भाई के बारे में, आप लोगों ने क्यों नहीं बताया कि हमारा एक और भाई है, क्या हम उसके बारे में छिपा रहे थे। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी कल है मकर संक्रांति, तो एडवांस में आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जो है मकर संक्रांति को लेकर के कुछ तैयारी करनी है, कुछ खरीदारी करनी है, तो वो सब करेंगे। और इधर क्रियांश का खाना लगा हुआ था तो थोड़ा बहुत तो खाया, लेकिन उसके बाद जो है पूरा खाने में जो है नाटक थोड़ा शुरू हो गया है, इसलिए थोड़ा सा बच ही गया, जो कि अक्सर बच ही जाता है। इसका खाना पूरा खाता नहीं है, कोई बात नहीं, तू लोग रख लेती है दादी को जो है ना कहती है मेरा पोता नहीं खाएगा, पोता बस बोल दे कि हम नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे। क्या बाबा बेटा, कौन है बाबा बेटा, कौन है मेरा बेटा, पोता राजा सोना बबुआ घूमेगा, सोनू मोनू छोटका मोनू, छोटका मोनू, छोटका मोनू। आज ही जो है ना वहाँ किचन में काम कर, बाबा 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 छोटका मोनू पूरा मुंह में खाना लगा लिया। बबुआ बेटा बाबा को बुला, बाबा आ जाइए खाना लग गया, बाबा को बुलाइए, बाबा को बुलाते नहीं इसको, जब बोलेगी बोलने तब थोड़ी बोलेगा ये अपने। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा करता है, कर दो खाना खिला रहे थे जबरदस्ती। इसको अचानक मुंह से निकल गया बचाओ में, कहता हो जो भाषा ही बोले तो मदर टंग है लोग, हम लोग का क्षेत्रीय भाषा यही ना है। बिल्कुल, तो भगवान जो सब कुछ देते हैं ना, इसलिए इसके मुंह से वही बात निकला। हम लोग गर्म था, हम खिलाए जा रहे थे, मतलब गर्म गर्म थोड़ा खाए। हम लोग जब संकट में रहते हैं किसी भी तरह का तो हाव भाव बोलते हैं ना, वही चीज इसके मुंह में आ गया। इसको जबरदस्ती घींच के ऊपर ले आ रहे थे कि डैडी नहाने जाते, बोलता अभी एक नया नया शब्द बोलता है लेकिन फिर भूल जाता है, ज्यादा बाबा ही बोलता है। और इसको अपने देखो, जो इसको आसान होगा वही ना बोलता, इसको अपने मन में जो होता है वही बोलता है, दूसरे कहने से कुछ नहीं बोलता है, वही खाएगा बीफ खाएगा। आजकल जितना भी सामान मिलता है सारा सामान इसके मुंह में जाता है, क्योंकि दांत नया नया आ रहा है, दांत जो है वो सब सब करता है, इसलिए तो बच्चा का नेचर। सुनो इसको हटा दो गला से, खिला देते हैं थोड़ा सा, सबसे बेसी दुर्घटना हो रही है। जो तिला संक्रांत पर्व जो मनाया जाएगा 14 को या 15 को, इसलिए हम यूट्यूब के माध्यम से दे रहे हैं कि आप लोग सभी कमेंट कीजिए कि आप लोग कब मना रहे हैं, तो जिनका बहुमत ज्यादा होगा हम उसी दिन। उधर क्रियांश का भोजन लगा हुआ था और इधर जो है हमारा भी भोजन लग गया है, तो जल्दी से अब खाते हैं इसको। क्रियांश का टोपी है यहाँ पर, इसको हटा लो यहाँ से। टोपी खुलता तब टोपी पहन के नहीं खाएगा ये, उसे भी टोपी पहना रहेगा तो जूठा गिर जाएगा उसके ऊपर। ओए ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। मोबाइल चाहिए क्या चाहिए तुमको क्रियांश? मोबाइल चाहिए, नहीं मिलेगा मोबाइल, मोबाइल मिलेगा ही नहीं, नहीं मिलेगा मोबाइल, मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं मोबाइल। गुस्सा हो जाओ, गुस्सा ये कौन सा गुस्सा हुआ? गुस्सा हो जा बेटा, गुस्सा गुस्सा, मोबाइल लेगा समझे माँ, मोबाइल जो नहीं दे रहा तब आया कर रहा है अपना गुस्से को। बबुआ बेटी ले ले, लो मोबाइल लो, पपीता खाया, पपीता नहीं खाएंगे, अच्छा नहीं लग रहा ये वाला। तो इसमें जो है थोड़ा सा नमक तेल मसाला प्याज सब डाल दो इसमें, पता नहीं यही खाते है नमक मसाला, यह मुझे नहीं होगा खाए वाली। चाट कम से कम चाट मसाला डाल दो, नमक तेल होती बोले हम, अचार का मसाला नमक हम लोग डाल के देखिए इसका सॉक्स देखिए, वाह। वैसे इसका सॉक्स तो हमेशा दो रंग का ही रहता है, सॉक्स नहीं है एक जूता है, एक जूता एक मोजा। और जब तक हमेशा एक पैर का खुला ही रहता है तो जो सामने दिखता है पहना दिया जाता है, रात में कहाँ खोल के फेंका।
हम लोग क्रियांश को लेकर के आ गए छत पर और क्रियांश देख सकते हैं कहाँ चला गया है। उसको एक बोतल मिल गया है अपना खेलने के लिए, उसी से क्रियांश अपना खेल रहा है। तो जिया जो है अपना तब तक अपना भोजन पानी कर रही है। पहले तो हम लोग सोच रहे थे कि क्रियांश को जो है छत पर नहीं रेंगने देते हैं कि गंदा हो जाएगा, लेकिन आज क्योंकि क्रियांश को नहाना है तो इसीलिए जो है क्रियांश को रेंगने दे रहे हैं, आराम से खेलने दे रहे हैं। बहुत मजे में घूम रहा है छत में इधर उधर। बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे, छुपा छुपा के मिट्टी भी खा रहे थे, स्वस्थ रहे। बात सही है, हम लोग भी मिट्टी में ही खेले हुए हैं। हाँ हाँ, गंदा होगा तो होगा कपड़ा, कोई बात नहीं। तो क्रियांश जो है आराम से घूमेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ गया चटाई पर, अच्छा है। बस इसको एकदम फैला हुआ छत मिल गया है आज। जिया का अपना नहाना हो गया और जिया अपना अब खाना खा रही है और क्रियांश का जो है हम निगरानी कर रहे हैं, छत पर ही सो गया है। तो हम बैठे हुए हैं पहरा में, धूप है ना। हाँ, तो धूप अच्छा है इसके लिए। तो भी मैं सोई थी और जैसे आंख लगी थी मेरी, और इधर हमारे बेटे को देख सकते हैं, उठ चुका है, प्यास है। और इधर देख सकते हैं, हमको उठाने की पूरी कोशिश थी, सारा सामान इधर से उधर कर दिया इसने। कान पकड़ के क्या बोल रहे, सॉरी सॉरी बोल रहे हो? क्या कर रही है जिया उधर और क्या छिपा रही है? क्या है ये देखिए, वाह, इसको तो हम चांदनी चौक में देखे थे जब गए थे ड्रोन लेने के लिए, वहीं से लेके आए हैं। वाह बहुत बढ़िया, तुम वहाँ से कहाँ से लेते आई? आप ले मना कर देते थे ना आपको, हम इंस्टा के एक ऑनलाइन पेज है वहाँ से लेते, अभी देखा है। वाह ऑनलाइन मंगा लिए, चलो 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 देखते हैं कैसा लगता है। वहाँ स्विच होगा ना एक, बताओ याद भी नहीं है तुमको? ये देखिए जी, देख सकते हैं जी हमारा जो रिसेंट दार्जिलिंग ट्रिप है उसी का सारा फोटो हमने लगा सिर्फ दार्जिलिंग का फोटो है, सिर्फ दार्जिलिंग का है। एक शादी का भी वैसे हमारा लेटेस्ट फोटो था, ये शादी का जब दिल्ली में गए थे हम लोग, तो काफी अच्छा लगा जी। लगा बहुत अच्छा लगा आपको, वाह मजा आ गया। वहाँ पे ये लेना चाह रहे थे लेकिन हमने मना कर दिया था, लेकिन इनको बुरा लग गया कि हम कुछ लेना चाहते हैं तुरंत से मना कर देती है। सोचे थे कि अगर कोई ऑनलाइन पेज होगा इंस्टाग्राम पे तो आजकल बहुत कुछ मिलता है, तो हमने वहीं से मंगा लिया। वो छोटा था, ये बड़ा है, देखिए ये अच्छा है। बात करते हैं जी कल के वीडियो के बारे में। कल का जो ब्लॉग हमने डाला था और उसमें जो है हमने बताया था आपको एक अच्छा सा गुड न्यूज था कि हमारे भाई की शादी होने वाली है, तो कई लोगों ने जो बधाई भी दी, लेकिन साथ ही जो है कंफ्यूजन भी क्रिएट हो गया क्योंकि हमने बताया नहीं कि आखिर हमारा कौन सा भाई है। वह आप में से बहुत लोग पूछ रहे थे अपने दूसरे भाई के बारे में, आप लोगों ने क्यों नहीं बताया कि हमारा एक और भाई है, क्या हम उसके बारे में छिपा रहे थे? तो कुछ नहीं छिपा रहे थे जी, हम जो अपने सगे भाई हैं, दो भाई हैं, एक सोनू एक मोनू, वह है हमारा निकनेम, और जो ऑफिशियल नेम है वह है शाश्वत और अभिषेक। हमारा वह कजन है जी, हमारी बुआ का लड़का है। वह अपने बुआ के लड़के के शादी में जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं वह वीडियो जो है आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आएगा, और वह शादी जो है स्पेशली विलेज इलाका में है, तो आप लोगों को विलेज वाला शादी देखते हैं, जो भी गांव का रीति रिवाज होता है वहां पर, जिस तरह का माहौल होता है, बातचीत होता है, तो वो सब आप लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है। आज तक जो भी हमने वीडियो डाला है तो रिस्पांस के हिसाब से हम बता रहे हैं, शहर से ज्यादा जो है गांव के वीडियो को आप लोग ज्यादा प्यार और सपोर्ट देते हैं। ऐसे तो सब जगह का देते हो, लेकिन जो कमेंट आता है ना स्पेशली, अच्छा लोग ज्यादा पसंद करते हैं गाँव का। तो हम लोग जाएंगे जी उस शादी में, बहुत मजा आने वाला है, हम लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और वह जो भाई है, हम लोग सकते हैं कि हम उम्र ही है लगभग 8 महीने के छोटे बड़े हैं, तो उस भाई की भी अब शादी होने जा रही है, रेलवे में अपना जॉब करता है वह, तो चलेंगे और हो सकता है कि वह यह वीडियो देख भी रहा हो, और हो सकता है हमारी जो होने वाली भाभी है वह भी देख रही है इस वीडियो को। पता नहीं, बाकी पता चलेगा आगे जब शादी में जाएंगे। जैसे कि अभी हमारी जो एक देवर की शादी हुई थी, तो हमारी देवरानी पहले से हमारी वीडियो देख रही थी, तो वहाँ जा करके मालूम चला, पूरी फैमिली भी देखा करती थी। हमने शादी में जो हम लोग गए थे बारात, तो पता चला था कि सभी लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं। बिल्कुल, तो अगर हमारी होने वाली भाभी भी इस वीडियो को देख रही है तो आइए जी, बस और क्या, तो आइए जी हमारे घर में जो है आपका हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है। ठीक है, तो अब इसी के साथ जो है इस ब्लॉग को खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले, हमारा कोई वीडियो आए सबसे पहले आपको, और हाँ जी वीडियो को एक शेयर तो जरूर कर दें, एक शेयर से हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।